नमस्कार दोस्तों, A3 हिंदी में आपका स्वागत है। आज है मेरे पास Samsung Galaxy J7 Duo और Redmi Note 5 Pro स्पीड टेस्ट के लिए। बात करें अगर स्पेसिफिकेशंस की, तो Redmi Note 5 Pro में आपको मिलता है 1.8 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो है Snapdragon 636। तो वहीं Galaxy J7 Duo में आपको मिलता है Exynos का 7885 प्रोसेसर, जिसमें आपको दो कोर मिलती है 1.6 GHz की और छह कोर मिलती है 1.5 GHz की। इसके अलावा J7 Duo में आपको मिलता है माली G71 GPU और ये रन करता है Android ऑपरेटिंग सिस्टम 8.0.0 पर। इसके अलावा यहां आपको मिलती है 4GB की रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी। तो भाई Redmi Note 5 Pro में आपको मिलता है Adreno 509 GPU और ये रन करता है Android ऑपरेटिंग सिस्टम 7.1.1 पर और यहां मिलती है आपको 4GB की रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी। तो स्पीड टेस्ट में सबसे पहले दोनों ही डिवाइसेस पर कुछ एप्लीकेशन लॉन्च करके देखेंगे कि किस डिवाइस की स्पीड फास्ट है एप्लीकेशन लॉन्च करने में। तो यहां मेरे पास नेटिव एप्लीकेशन और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दोनों है और शुरुआत करते हैं टेम्पल रन 2 से। तो सबसे पहले बात करें क्विक रेस्पॉन्स टाइम की, तो यहाँ आप देख ही सकते हो कि Redmi Note 5 Pro का क्विक रेस्पॉन्स टाइम Galaxy J7 Duo से अच्छा है। पूरा एप्लीकेशन लोड करने का टाइम देखते हैं तो यहाँ भी Redmi Note 5 Pro J7 Duo से अच्छा रहा। अब चलिए चलते हैं दूसरे एप्लीकेशन सब्वे सर्फर्स की ओर और यहाँ भी क्विक रेस्पॉन्स टाइम Note 5 Pro का J7 Duo से अच्छा रहा। इसके अलावा लोडिंग की जो स्पीड है वो भी Note 5 Pro पर अभी J7 Duo से आगे है। पूरे एप्लीकेशन की बात करें तो Note 5 Pro पर सब्वे सर्फर्स भी J7 Duo के मुकाबले जल्दी लोड हुआ। टेम्पल रन 2 और सब्वे सर्फर्स दो थर्ड पार्टी के छोटे छोटे एप्लीकेशन थे, अब लॉन्च करके देखते हैं तो हैवी एप्लीकेशन। तो उनमें सबसे पहला है GTA Vice City और यहाँ अगर क्विक रेस्पॉन्स टाइम की बात करें तो वो दोनों के डिवाइसेस का भी तो लगभग सेम है, लेकिन Redmi Note 5 Pro पर एप्लीकेशन जल्दी लोड हो गया एज कम्पेयर टू J7 Duo। अब चलिए चलते हैं दूसरे हैवी एप्लीकेशन बुली की ओर, तो यहाँ भी थोड़ा सा Redmi Note 5 Pro फास्ट रहा एज कम्पेयर टू Galaxy J7 Duo। पूरे एप्लीकेशन लोडिंग की बात करें तो अभी भी Redmi Note 5 Pro आगे है और इस समय लोडिंग चल रही है और फाइनली बुली भी Redmi Note 5 Pro पर जल्दी लोड हुआ। चार थर्ड पार्टी एप्लीकेशन टेस्ट करने के बाद अब चलिए ट्राई करते हैं कुछ नेटिव एप्लीकेशंस। तो शुरुआत करते हैं डायलर से और डायलर Redmi Note 5 Pro पर पहले लोड हो गया। अब चलिए चलते हैं दूसरे एप्लीकेशन कैमरे की ओर, तो कैमरा भी Redmi Note 5 Pro पर जल्दी लोड हुआ। तीसरा एप्लीकेशन सेटिंग्स भी Redmi Note 5 Pro पर जल्दी लोड हो चुकी है। चलिए चलते हैं चौथी एप्लीकेशन, तो मैसेज भी Redmi Note 5 Pro पर जल्दी लोड हुआ। तो नेटिव एप्लीकेशन में भी Redmi Note 5 Pro Galaxy J7 Duo से अच्छा रहा। अब चलिए चलते हैं मल्टीटास्किंग राउंड की ओर, यहाँ मैं दोनों ही डिवाइसेस पर कुछ 8-8 एप्लीकेशन लोड कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि किस डिवाइस से एप्लीकेशन क्लोज हो जाते हैं और किस डिवाइस पर बने रहते हैं। तो यहाँ बैकग्राउंड पर कुछ एक नेटिव एप्लीकेशन बने हुए हैं, इसके अलावा टेम्पल रन 2, सब्वे सर्फर्स, GTA Vice City और बुली। तो कुल मिला के ये लगभग 8-9 एप्लीकेशन है बैकग्राउंड पर, देखते हैं किस डिवाइस पर एप्लीकेशन क्लोज हो जाते हैं। तो टेम्पल रन 2 दोनों पर बना हुआ है, सब्वे सर्फर्स दोनों डिवाइस के बैकग्राउंड पर बना हुआ है, तीसरा एप्लीकेशन हैवी एप्लीकेशन है GTA Vice City, ये भी दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर बना हुआ है, चौथा एप्लीकेशन बुली भी दोनों डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। तो चारों ही थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस समय बैकग्राउंड पर बने हुए हैं। बात करेंगे नेटिव एप्लीकेशंस की, तो ये तो बहुत ना के बराबर रैम कंज्यूम करते हैं, तो इनका तो क्लोज होने का सवाल ही नहीं होता। डायलर, कैमरा, इसके अलावा सेटिंग्स और मैसेज, चारों ही एप्लीकेशन बैकग्राउंड पर बने हुए हैं। तो यहाँ तो डिसाइड करना मुश्किल है, इसीलिए मैंने दो एप्लीकेशन और हैवी बैकग्राउंड पर रन कर दिए हैं, ये हैं GTA San Andreas और Shadow Fight 3। अब देखते हैं कि कौन सा डिवाइस अच्छा परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं सब्वे सर्फर्स को और कमाल की बात यह है कि सब्वे सर्फर्स गैलेक्सी J7 Duo के बैकग्राउंड पर बना हुआ है, जबकि Redmi Note 5 Pro के बैकग्राउंड से सब्वे सर्फर्स क्लोज हो चुका है। अब चलिए चलते हैं दूसरे एप्लीकेशन यानी कि GTA Vice City, तो देखते हैं GTA Vice City दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर बना हुआ है या नहीं। तो Galaxy J7 Duo के बैकग्राउंड पर तो GTA Vice City बना हुआ है, लेकिन Redmi Note 5 Pro के बैकग्राउंड से GTA Vice City हो चुका है क्लोज। तो एक हैवी एप्लीकेशन और एक नॉर्मल एप्लीकेशन Redmi Note 5 Pro के बैकग्राउंड से हो चुके हैं क्लोज। तीसरे एप्लीकेशन बुली की बात करें तो Note 5 Pro पर शायद ये भी क्लोज हो चुका है। Galaxy J7 Duo पे बुली भी बना हुआ है, जबकि Redmi Note 5 Pro से बुली, GTA Vice City और सब्वे सर्फर्स तीनों एप्लीकेशन क्लोज हो चुके हैं। चौथे एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, डायलर, तो ये तो बना ही रहेगा क्योंकि नेटिव एप्लीकेशन है, बहुत कम रैम कंज्यूम करता है, तो डायलर बना हुआ है। इसके अलावा चलते हैं अगले एप्लीकेशन सेटिंग्स की ओर, तो यहाँ सेटिंग्स भी बनी हुई है दोनों एप्लीकेशन पे। और एक और चीज़ देखने वाली ये है कि Redmi Note 5 Pro पे जो एप्लीकेशन लॉन्च करने का टाइम है मल्टीटास्किंग पर, वो उतना फास्ट नहीं है जितना J7 Duo पर है। तो नॉर्मल मल्टीटास्किंग में तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ही डिवाइसेस पर, लेकिन हैवी मल्टीटास्किंग में Galaxy J7 Duo Redmi Note 5 Pro से बेहतर है। अब चलिए चलते हैं तीसरे और आखिरी राउंड वीडियो रेंडरिंग की ओर, क्योंकि वीडियो रेंडरिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत हद तक GPU पर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो फोन पहले वीडियो रेंडरिंग फिनिश करेगा, हम कह सकते हैं कि उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस दूसरे से ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो वीडियो रेंडरिंग शुरू हो चुकी है,
और यहाँ Redmi Note 5 Pro ने पहले वीडियो रेंडरिंग फिनिश की जबकि उस समय Galaxy J7 Duo था 94% पर। तो कहीं ना कहीं Redmi Note 5 Pro पर आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी, थोड़ी सी इंप्रूव गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी एज कम्पेयर टू Galaxy J7 Duo। तो ऐप लॉन्चिंग में Redmi Note 5 Pro बेहतर है, इसके अलावा गेमिंग में भी Redmi Note 5 Pro बेहतर रहेगा, तो मल्टीटास्किंग के लिए Galaxy J7 Duo। तो ये था मेरा स्पीड टेस्ट Galaxy J7 Duo और Redmi Note 5 Pro के बीच, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।